लोगों ने अपना एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला पार्ट शुरू कर लिया था। इवन सर की तरफ से तुम लोगों ने वो इरेशनल वाली चीज़ें भी ख़त्म कर ली हैं कि किस तरीके से इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना है, पॉइंट वाले इरेशनल नंबर्स कैसे प्लॉट करने हैं, मैग्नीफिकेशन कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। तो अभी आज का ये हम लोगों का फाइनल टच है इस चैप्टर को लेकर। तुम्हें आज इलस्ट्रेशंस अपलोड होकर मिलते जाएंगे, ठीक है। उन इलस्ट्रेशंस को कैसा कंप्लीट देखते जाओ, अच्छे से समझ समझ के कॉपी में मार्क करो, जहाँ पे डाउट हो उस डाउट को भेजो। एंड तुम्हें अगर याद होगा तो मैंने एक शीट अपलोड की थी, मैं शीट की बात कर रही हूँ, एकदम अच्छे से प्रिंटेड थी, ठीक है, 2 या 3 पेजेस की शीट थी, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला था इसको सॉल्व कर लेना 61 से 63 ऐसे करते करते। तो अपना क्योंकि आज चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो वो वाली शीट तुम अब पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आज फिर से कुछ क्वेश्चन मार्क करा दूंगी तुम्हें, अब हर दिन के कैसा दद्दा दद्दा सवाल करके चेकिंग कराती जानी है, शीट कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट मंडे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंडे, अभी आने वाला मंडे नहीं, अभी उसके भी आगे जो एक मंडे आएगा, तो उस मंडे को फिर ये वाले चैप्टर की हम कंप्लीट टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है उस चीज़ के लिए, डिक्लेयर वो मैं कर दूंगी कि कौन सी तारीख को वो टेस्ट रहने वाला है करके। जैसे अगर अपन देखें तो 20 अप्रैल को हम वो टेस्ट रखेंगे चैप्टर नंबर 1 पे पूरा, ठीक है। कल संडे है मेरे हिसाब से, तो कल कोई भी क्लासेस मैं नहीं लूँगी, कल सिंपली तुम्हें मैं भेज दूँगी, तुम कॉपी चेकिंग करवाने के लिए भेजोगे, सारा काम पूरा कल कॉपी चेकिंग का ही रहेगा, और मंडे से फिर हम लोग अपने न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 2 में शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आज का इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे पहला इलस्ट्रेशन तुम्हें दिया हुआ है कि आपको शो दैट करना है, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ आपको शो दैट करनी है, यहाँ पे दिया है एक्स ऊपर में ए और उसके बाद बी माइनस सी अपॉन में आपको दिया है एक्स फिर बी और फिर ब्रैकेट में ए माइनस सी डिवाइड बाय यहाँ पे एक्स और पावर में बी अपॉन में एक्स की पावर में ए और फिर उसकी पावर में सी इक्वल टू 1। ये चीज़ शो करनी है। अभी इसको शो सेट करने से पहले हम लोग LHS को देखो सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट मुझे सॉल्व करके और इसको मुझे लेकर आना है कुछ के बराबर। तो याद रखना आइडेंट जो आपने पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उन एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है बिना किसी एरर के। हो सकता है हमें बुद्धि लगानी पड़े किसी जगह पे कि अच्छा अब क्या करें अब क्या करें आंसर को लाने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ए जो है वो ब्रैकेट में है, तो मैं काम कर लेती हूँ ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ। तो अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये चीज़ हो जाएगी ए बी माइनस ए सी और नीचे में आ जाएगा एक्स और ऊपर में भी आ जाएगा ए बी माइनस बी सी। अब याद रखो कल मैंने बताया था डिवाइड, तो डिवाइड में हम कभी काम नहीं करते हैं, हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी तो जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आ जाएगी और जो चीज़ नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, याद आ रहा है। तो यानी कि ये चीज़ कैसी हो जाएगी, एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर बी और जो ऊपर की पावर है उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज देखो, जब हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं, ये बात याद रखना, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, पावर की कोई साइन चेंज नहीं करनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं इन स्टेप्स को लेकर हम लोग, तो देखो इस तरीके से ये वाला पूरा फ्रैक्शन, जैसे ये वाली चीज़ को मैं ऊपर शिफ्ट करा लेती हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं ऊपर भेजती हूँ। जब मैं ऊपर भेजूँगी तो ये जो माइनस बी सी है ऊपर जाके प्लस बी सी हो जाएगा और ये जो इसके आगे प्लस ए बी है ये ऊपर जाके माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक्स और ऊपर में ए बी माइनस ए सी और ऊपर जाकर वो चीज़ कैसी हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि इनटू एक्स की पावर में आ जाएगा माइनस ए बी और ये आ जाएगा आपका प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और मल्टीप्लाई है, अब ये वाला जो सी है इसको भी मिलेगा और ये वाला सी इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर में यहाँ पे ए सी और अपॉन में एक्स की पावर में बी सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको भी ऊपर ले जाती हूँ, तो जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करा दूंगी तो आ जाएगा एक्स की पावर में ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स की पावर में माइनस ए बी
प्लस बी सी और इंटू में एक्स की पावर ए सी, ये चीज ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस बी सी। तुम ये देखो अभी सभी के बेस क्या है, सेम, सभी का बेस कितना है, एक्स है। तो जब एन बेसिस आर सेम देन पावर्स को हम क्लब कर सकते हैं, तो पावर्स को क्लब कर दो तो क्या हो जाएगा, पहले में ए बी माइनस ए सी, इसको मुझे वेन पावर्स आर एडेड तो एडेड में प्लस, फिर प्लस में ये वाला टर्म माइनस ए बी प्लस बी सी, फिर अगेन एडेड तो प्लस ए सी और प्लस ये माइनस बी सी। प्लस से तो देखो कभी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, अगर माइनस होता तो हम लोग साइन चेंज के बारे में फिर टेंशन लेते, यहाँ तो प्लस है तो जिसकी जो साइन है वो वैसी की वैसी रख लेते हैं। अगर तुम इस तरीके से प्लस और फिर ब्रैकेट देकर नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट ये वाली स्टेप करते हो, तो वो भी सही है, बल्कि अच्छा ही है, डायरेक्ट करना सीखो थोड़ा। ये प्लस बी सी माइनस बी सी गया, प्लस ए सी माइनस ए सी गया, ए बी और माइनस ए बी गया, तो ऊपर तो पावर में कुछ बचा ही नहीं, यानी कि बचा एक्स की पावर जीरो, और ये चीज़ कितनी होती है, वन। तो इनडायरेक्टली जब मैंने पूरा मेरा एल एच एस सॉल्व किया, तो आपका एल एच एस सॉल्व करने के बाद जो आंसर रिपोर्ट कर रहा है वो आंसर कितना रिपोर्ट कर रहा है, वन, और आर एच एस ऑलरेडी तुम्हें कितना दिया हुआ है, वन। तो देयरफोर हम ये लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू क्या हो चुका है, आर एच एस हो चुका है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हैंस प्रूफ करके, ठीक है। ये हो गया अभी एक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर टू में आते हैं, उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे लिखा है एक्स, उसकी पावर में लिखा है ए प्लस बी और उसकी पावर में लिखा है टू, फिर नेक्स्ट एक्स और बी प्लस सी और उसकी पावर में टू, फिर एक्स उसकी पावर में सी प्लस ए और यहाँ पे टू, और अपॉन में यहाँ पे एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी और उनकी पूरे की पावर फोर, और इसको भी मुझे कितना प्रूफ करना है, वन। अभी मैं कंसीडर एल एच एस इक्वल टू ऐसा नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही एल एच एस वाले पार्ट को सॉल्व करती हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को, ये जो तुम्हारे पास टू बाहर पावर में दिख रहा है, ये टू जब अंदर आएगा तो ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। सिमिलरली ये वाले जो टू हैं इन दोनों में भी देखो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे बराबर, तो और ये जो पावर फोर है ये भी सबको मिलेगी। तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में टू ए प्लस टू बी, ठीक है, इनटू में एक्स की पावर में टू बी प्लस टू सी, इनटू एक्स की पावर में टू सी प्लस आपका टू ए, फिर उसके बाद अपॉन, यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, फोर सबको मिल गया, तो एक्स की पावर में फोर ए इंटू एक्स की पावर में फोर बी इंटू एक्स की पावर में फोर सी। देखो यहाँ पे बेसिस सेम है, तो आपको पावर्स को ऐड करना है, तो जब तुम सारी पावर्स को ऐड करोगे, मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये सारी पावर्स को जब तुम ऐड करोगे, तो तुम ये देखो जो ए वे वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, बी बी वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे और सी सी वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली वाली चीज़ लिख लेती हूँ। तो टू ए प्लस टू ए हो जाएगा आपका फोर ए, टू बी प्लस टू बी हो जाएगा फोर बी और टू सी प्लस टू सी हो जाएगा फोर सी। अपॉन में आ जाते हैं, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर में, यहाँ पे भी सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फोर ए प्लस फोर बी और प्लस में फोर सी। अब नीचे वाली क्वांटिटी और ऊपर वाली क्वांटिटी पूरी तरीके से सेम है, तो अगर मान लेते हैं इस पूरे टर्म को मैं ऊपर लेके गई, वैसे तो मैं यहीं पर कैंसिल करके इस चीज़ को इक्वल टू वन लिख देती हूँ, बट अगर किसी को डाउट आए कि कैसे, तो ऐसे में जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो आपकी वैसी की वैसी, जो नीचे वाले लोग हैं जब वो ऊपर जाएंगे तो उनकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस फोर ए और माइनस फोर बी माइनस फोर सी। अब जब इन लोगों को तुम देखोगे कि दोनों के बेसिस सेम है, अगेन इनकी पावर्स को क्लब कर देना चाहिए, तो तुम अगेन चेक करोगे कि फोर ए माइनस फोर ए, फोर बी माइनस फोर बी और प्लस फोर सी माइनस फोर सी है, तो जब इन्हें ऐड करोगे तो पूरा कट जाएगा, तो वहाँ पे पूरा आएगा जीरो, यानी कि एक्स की पावर जीरो, जो कि एक्चुअल में होता है आपका वन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी देखो हमें वन के बराबर शो करना था, ये भी हो गया, तो मैं इसे बराबर लिखना, कंसिडर एल एच एस, कंसिडर आर एच एस, इस तरीके से करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, ये वाला है, जैसे अंडर रूट दिया है, अंडर रूट में दिया है एक्स की पावर माइनस वन और वाई, फिर इंटू में एक और अंडर रूट है वाई की पावर में माइनस वन और जेड, और इंटू में अंडर रूट अगेन है जेड की पावर माइनस वन और फिर एक्स इक्वल टू वन, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ कि पहले तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको किस तरीके से, मतलब अप्रोच क्या रखेंगे इसकी, तो ये यहाँ पे इस चीज़ को देखो,
अगर मान लेते मैं तुम्हें ऐसा लिख के देती अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, तो तुम उसे क्या लिखते, अंडर रूट ऑफ 6, मतलब अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देते. तो वैसे ही यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, अंडर रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन इंटू वाई इंटू में ये वाली टर्म, वाई की पावर माइनस वन इंटू जेड इंटू जेड की पावर माइनस वन इंटू एक्स, सब आपस में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. जैसे अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 को तुम ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 2, और अगर मल्टीप्लाई हो गया तो इस तरीके से 6, नहीं हो पाया तो इस तरीके से डॉट्स लगा के रखना. तो अब यहाँ पे एक चीज चेक करो, ये जो x की ये सारे टर्म्स हैं जी, है यहाँ पे बेस कितनी है x, और यहाँ पे भी बेस कितनी है x है आपकी बेस. तो जब दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है यानी कि 1. तो जब तुम दोनों पावर्स को ऐड करोगे तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1. सिमिलरली y केस में 1 माइनस 1 1 प्लस 1, और एक z केस में 1 माइनस 1 1 प्लस 1. तो अभी ये चीज़ कितनी हो जाएगी, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, जो कि तीनों लोग मिलकर 1 इंटू 1 इंटू 1, जो कि आपका होगा अंडर रूट ऑफ 1. और 1 एक्चुअल में अपना 1 अपना ही स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है. तो ये भी आ गया 1. तो ये भी देखो हम लोगों का इक्वल टू में हमें कितना शो दैट करना था, 1. ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया है. जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ, ये ऐसा नहीं कह रही कि यही सवाल तुम्हारे पेपर में आएंगे. ये सवाल तुम्हारी अप्रोच क्लियर करेंगे कि अगर तुम सवालों को देखोगे तो तुम किस तरीके से उसको सॉल्व करने का नज़रिया बनाओगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके जैसा. यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में तुमको दिया हुआ है a की पावर माइनस वन अपॉन में a की पावर माइनस वन प्लस b की पावर माइनस वन प्लस a की पावर माइनस वन अपॉन में a की पावर माइनस वन बीच में माइनस फिर b की पावर माइनस वन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर अपॉन में, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये वाला पूरा हिस्सा मेरा LHS है, और इस LHS को मुझे इस RHS के इक्वल में प्रूफ करना है. ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ. अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा हम लोगों को बहुत ही केयरफुली काम करना है, वो इसीलिए क्योंकि सब देखो इनवर्स पावर में है. ए की पावर माइनस वन को हम इनवर्स बोलते हैं. ठीक है, सब इनवर्स पावर में है. तो इनवर्स पावर में हो सकता है कैलकुलेशन करते वक्त कुछ हमसे गड़बड़ी हो जाए, तो थोड़ा ज़्यादा उसमें केयर रखनी है. जैसे a की पावर माइनस वन है, ठीक है, तो अब इसका मैं क्या करूँ, इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करें. तो इस चीज़ को एक काम किया जा सकता है कि a की पावर माइनस वन, जैसे अगर ये मैं रफ में लिख रही हूँ, ध्यान दो, a की पावर माइनस वन अगर मैं लिखूँगी, अब बोलूँगी कि मुझे माइनस वन में अपना आंसर नहीं रखना है करके, तो ये वाली चीज़ कैसी हो सकती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आते हैं. जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि वन, तो उसको डिनोमिनेटर में ले आओ. तो जब तुम डिनोमिनेटर में ले आओगे तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचेगा यानी कि वन बचेगा, और जब वो नीचे आ जाएगा तो वो हो जाएगा ए की पावर वन. और ए की पावर वन का कोई मतलब नहीं होता, उसे वन अपॉन ए लिख सकते हो. तो कल को अगर मैंने लिख के दिया एक्स की पावर माइनस वन, तो उसे क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स. लिख के दिया एन की पावर माइनस वन, तो उसे लिख सकते हैं वन अपॉन एन. पी की पावर माइनस वन, तो उसे लिख सकते हैं वन अपॉन पी. ठीक है, ऐसे. तो यहाँ पे ए की पावर माइनस वन, इसे लिख दिया वन अपॉन ए. नीचे में ए की पावर माइनस वन, इसे वन अपॉन ए. प्लस बी की पावर माइनस वन, वन अपॉन बी. प्लस ए की पावर माइनस वन, अगेन वन अपॉन ए. और अगेन यहाँ पे वन अपॉन ए, और माइनस में वन अपॉन बी. अब इसको देखो क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो सॉल्व नहीं हो सकता, हाँ, बट डिनोमिनेटर को सॉल्व किया जा सकता है. तुम इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो कैसे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, b प्लस a, और अपॉन में आ जाएगा ए बी, फिर बीच में प्लस का साइन, ऊपर में आएगा वन अपॉन a, और ये कितना हो जाएगा b माइनस a, और अपॉन में यहाँ पे आ गया ए बी. ठीक है, अभी तुम ये चीज़ देखना कि ये जो ए बी है, ठीक है, मैं इसको अलग से समझा के भी दे देती हूँ ये वाली चीज़, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ही समझ लो तुम, ये तो कन्फ्यूजन होगा. ये वन अपॉन ए, और ये बड़ा वाला फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिवाइड. ये हमें डिवाइड करना है, इससे किससे डिवाइड करना है, बी प्लस ए अपॉन ए बी से डिवाइड करना है. चलो कोई बात नहीं, फिर बीच में प्लस का साइन, अगेन यहाँ पे वन अपॉन ए, ये वाला बड़ा वाला फ्रैक्शन, यानी कि मुझको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो डिवाइड कर देंगे उसको, किससे डिवाइड करना है, नीचे वाले फ्रैक्शन से. नीचे वाला फ्रैक्शन यानी कि
आप लोगों का क्या हुआ वहाँ पे, बी माइनस ए अपॉन में ए बी. अभी जो बचपन में हम वो चीज़ सीखते हैं फ्रैक्शन वाली कि डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल कर दिया, तो ए बी कहाँ चला गया, ऊपर, और बी प्लस ए आ गया नीचे. वैसे बीच में प्लस का साइन, वन अपॉन ए वैसे का वैसी, ए बी चला गया ऊपर और बी माइनस ए आ गया नीचे. इस चीज़ को मैं डायरेक्टली इसी स्टेप पे कर सकती थी कि ए बी पहुँच गया है ऊपर, बट मान लेते हैं अगर तुम्हें कल को कन्फ्यूजन होती है तो तुम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना, वह सही करना. तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ जाता है, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई होगा पूरे बी प्लस ए के साथ. फिर बीच में प्लस का साइन, वन इंटू ए बी, ए बी हो जाएगा, और नीचे में अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो बी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये इस तरीके से इनका मल्टीप्लीकेशन है. अभी इसके बाद अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर लूँ, ठीक है कि अच्छा ठीक है हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फिर सिनेरियो किस चीज का रहेगा. तो मल्टीप्लाई मत करो, कुछ आँखें दी हैं तो आँखों से देखो, ऊपर का ए नीचे का ए ये कट गया, तो ऐसे में तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे बी अपॉन में बी प्लस ए, फिर प्लस बी अपॉन में बी माइनस ए. अब दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे तुम्हें अलग दिख रहे हैं जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी माइनस ए, फिर बीच में प्लस, फिर बी और बी प्लस ए, और नीचे ये लोग भी मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये अगर इनका मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो ये चीज़ हो जाएगी बी प्लस ए. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता है, बी माइनस ए. अभी ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये वाली चीज़ हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी. डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, लेकिन ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी नहीं है, ये बी प्लस ए बी माइनस ए है. तो इसे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर हो गया, और अपॉन में ये बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से ये आ गया. तो यही मेरे हिसाब से हमको प्रूफ भी करना था. ये देखो, यही हमारा आर एच एस था, तो यहाँ आ गया आर एच एस. तो इसमें बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर तुम कहीं ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें आगे की स्टेप्स हमेशा पता होगी, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये शो दैट वाले सवाल हैं. इसमें काफ़ी हद तक तुम्हें अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करनी है कि अच्छा ठीक है चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करवा लेते हैं इस तरीके से. ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप, इस स्टेप के बाद ये स्टेप, और ये स्टेप सारे क्वेश्चन में फॉलो करो तो आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. थोड़ा अपना दिमाग में यहाँ लगाना है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ का एक आखिरी इलस्ट्रेशन देखते हैं. इस वाले वीडियो में 5 इलस्ट्रेशंस हैं, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में अलग, फिर अलग, इस तरीके से अलग अलग इलस्ट्रेशंस में लेती हूँ. अभी तो मैं जैसे दिया हुआ है 9 कह रही हूँ, हाँ 9 ही है, 9 की पावर n इंटू में आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और इंटू में फिर से लिख देते हैं हम लोग 3 की पावर में माइनस n बाय 2, ये ऐसा आ गया, और फिर उसकी पावर में ले लिया है माइनस 2, और माइनस यहाँ नीचे है याद रखना, फिर 27 की पावर n, फिर अपॉन में यहाँ पे बड़ा इसमें लिखा है 3, और 3 की पावर में 3m, और मल्टीप्लाई 2 की पावर में 3, और ये वाली चीज़ इक्वल टू में दी हुई है 1/27, और तुम्हें यहाँ पे प्रूव दैट करना है. ठीक है कि m माइनस n इक्वल टू 1 होता है. तो ये एक अच्छा सवाल है, ध्यान से इस चीज़ को हम लोग देखेंगे. याद रखना बीच में माइनस है, तो माइनस है का मतलब अगर उनकी बेसिस सेम भी होती हैं तो हम पगलेट के समान वहाँ पे पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस है. एडिशन माइनस या इनमें काम नहीं करना है, वो मल्टीप्लिकेशन में करना है तो डिवीजन में करना है. अब जैसे 9 है तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर. ठीक है, और पहले से एक पावर वहाँ पे है n बराबर, इनटू में ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड दी हुई है 3 का स्क्वायर, 3 को और मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती. यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, तो इनटू ये 3 की पावर माइनस एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 तो चला जाएगा, और माइनस माइनस इवन भी क्या हो जाएगा, प्लस 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब और उसकी पावर में n इक्वल टू में यहाँ आएगा 1/27 अपॉन में देखते हैं क्या आएगा. ये ऑलरेडी 3 एक प्राइम नंबर है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता वैसे का वैसे. अभी
क्या करना है यहाँ पे, 3 ये 2 और ये n आपस से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 3 की पावर 2n, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 की पावर में n, ऐसे माइनस में आएगा 3 की पावर में 3n, ऐसे अपॉन में 3 की पावर, ये कितना हो जाएगा 3m इंटू में 2 क्यूब। बस अब तुम ये बात, अच्छा यहाँ पे मैं पगलेट समान इक्वल टू लगा रही हूँ, इक्वल टू में तो आपको 1/27 दिया है। एक बात तुम याद रखना, जब बीच में माइनस आ जाता है ना तब आप सब में कॉमन वो चीज़ नहीं लगा सकते, मतलब पावर्स आप सारी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। माइनस के पहले वाली ऐड हो सकती है, माइनस के बाद वाली ऐड हो सकती है, बट सारी की सारी ऐड नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या किया करो, थोड़ा देखा करो अपनी आंखों से, क्या दोनों लेफ्ट और राइट वाले मतलब माइनस के इधर उधर वाले टर्म से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, क्योंकि कॉमन ही देखो तुम्हारी एक आखिरी उम्मीद होगी, और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो सारी चीज़ें वेरिएबल के पावर में है तो अगर नंबर्स होते 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब तो हम नंबर्स लिखते फिर मैथ्स के ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बट वेरिएबल में नहीं होता ना। जैसे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैंने इस वाली चीज़ को, ठीक है, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को अगर मैंने ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n बराबर, और इसको मत ऐड करो 2 को, ठीक है, इसको ऐसी रहने दो। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि माइनस के इस तरफ और माइनस के उस तरफ दोनों तरफ तुम्हें देखने को दिख रहा है कि 3 की पावर n वहाँ पे क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। इधर भी 3 की पावर 3n है और इधर भी 3 की पावर 3n है। तो जब 3 की पावर 3n तुम्हें दिख रहा है कि वो चीज़ वहाँ से कॉमन निकल सकती है, तो मैं 3 की पावर 3n को कॉमन निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं 3 की पावर 3n कॉमन निकालूंगी, 8th क्लास में कॉमन निकालना सीखे हैं, तो ब्रैकेट दिया, यहाँ स्टार्टिंग के 2 टर्म के पास से क्या बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया, तो उसे हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस, इस बेचारे के पास 3 की पावर 3n था और तो कुछ था नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 की पावर 3n बाहर चला गया तो क्या बच गया उसके पास, 1 बच गया, अपॉन मेरे को क्या है 3 की पावर 3m यहाँ पे इंटू में आ गया 2 का क्यूब और यहाँ इक्वल टू में आ गया 1/27। अब देखो ये नंबर्स हैं, इन्हें फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 9 और 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 का क्यूब तो ये भी हो गया 8। नीचे बीच में देखो क्या है, मल्टीप्लाई है तो कट कर सकते हैं, अगर बीच में प्लस होता या माइनस होता तो कट नहीं करते। तो यहाँ आ गया इक्वल टू 1/27, अब वहाँ तो कट हो गया, अब इसको शिफ्ट कर दो ऊपर, तो अगर इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर माइनस 3m, है ना, साइन चेंज हो गई ऊपर जाके। 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब, वैसे ही 3 के क्यूब को भी मैं ऊपर भेज देती हूँ, तो अगर मैंने 3 के क्यूब को भी ऊपर भेज दिया तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 3 की पावर माइनस 3, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, है ना, अब दोनों की बेसिस कैसी हैं, सेम है यहाँ पे दोनों की बेस। तो अब एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे। ऐसा वाला काम तुमने 8th स्टैंडर्ड में किया है, 1 या 2 सवाल उसके जैसे थे, और अगर RD सॉल्व की होगी 8th में तो उसमें तो फिर उसके जैसे और भी बहुत सारे सवाल थे, ठीक है। तो अब इसमें हम इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट्स को, यानी कि सिर्फ पावर को उनकी। अच्छा, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करने की कंडीशन क्या होती है कि दोनों के बेस कैसे होने चाहिए, सेम सेम। तो दोनों के बेस कैसे हैं अभी, 3 3, तो इनके एक्सपोनेंट्स इक्वेट कर लो तो कितना हो जाएगा 3n-3m इक्वल टू -3। अब यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल के इसको लिख देती हूँ, n-m इक्वल टू -3। 3 को यहाँ ले जाके डिवाइड में ले गए तो ये हो गया n-m इक्वल टू -3/3, यानी कि n-m इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया -1। और मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था m-n, मतलब सब आगे पीछे हो गया। तो इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन से। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएंगे और जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे। तो n क्या हो गया -n, m क्या हो गया +m और -1 हो गया 1। इस चीज़ को मैं सीधा करके लिख देती हूँ, m-n इक्वल टू 1, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में जो तुम्हें इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं ये अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे का मतलब अच्छे हैं। तो अभी इसके बाद एक और वीडियो रहेगा, उसमें तुम्हें जो सवाल दिए जाएंगे वो सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, ऑन इक्वेटिंग दी एक्सपोनेंट्स वाले सवाल वहाँ रहेंगे, जिससे तुम सीखोगे कि किस तरीके से एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करना है।
और दूसरी बात ये कि आज एक पीडीएफ शेयर होगी, कल नहीं हुआ था ऐसा सच कोई होमवर्क, उसमें एक्सपोनेंट्स के सवाल रहेंगे, उसकी जो प्रैक्टिस जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भेजना, क्योंकि तुम्हारी जहाँ जहाँ मिस्टेक होंगी जब वो पता चलेंगी करके कि अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रही है यहाँ ठीक करो, तो उसी से तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो वाली चीज़ अब भेजना, उसमें हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ कर रहे हो, बट कैलकुलेशंस मिस्टेक्स अवॉइड करना जितना हो सके। हम्म।